हेलो एवरीवन, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपने जो चीज़ें देखी थी, यानी जो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन देखा था, एक्सप्लिसिट फंक्शन देखा था, उसमें क्या होता था कि जैसे आप इम्प्लिसिट फंक्शन की बात लो तो वहाँ पे आप y इज इक्वल टू पूरे के पूरे पार्ट को आप x के वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाते थे। तो आप इजीली यहाँ से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के करके dy बाई dx निकाल लेते थे। ठीक है, उसके बाद आपको हमने सिखाया कि इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इनके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यानी फंक्शन के अंदर x भी होगा और y भी होगा, यानी उसको कम्प्लीटली y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहेंगे हम, तो वैसे कंडीशन को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं dy बाई dx के फॉर्म में। ठीक है, बट अभी तुम्हारे पास एक तीसरा फॉर्म आएगा। ठीक है, सपोज करो तुम्हें x इक्वल टू लिया है, जस्ट थिंक कि यक्स किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, यक्स इज इक्वल टू द एफ ऑफ टी। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू पूरा का पूरा वेरिएबल x के फॉर्म में था, अभी तुम्हारा यक्स इक्वल टू पूरा का पूरा वेरिएबल t के फॉर्म में रहेगा। अलॉन्ग विद दैट दे आर गिविंग वन मोर फंक्शन, सपोज करो ये दूसरा फंक्शन है और ए भी t के वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये क्या समझ में आता है कि यक्स जो है t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, वाई जो वो भी टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन द पेपर दे विल गिव दिस टू फंक्शन एंड देन दे विल आस्क फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट? डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट बिकॉज एक्स इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टी, देन इट्स वेरी इजी ना। सपोज तुम्हारा दोस्त टी है, ठीक है, यू आर अ फ्रेंड ऑफ टी एंड वाई इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ टी, देन डेफिनेटली सम हाउ तुम्हारे और उसके बीच में दोस्ती होगी। Then we can find the dy by dx. So how can you find out? So first I will tell the process, then I will tell you कि normally आप कैसे board exam में करोगे। ठीक है, normally इसको कैसे करोगे? अगर as a तुम्हें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना है इसके कॉन्सेप्ट को, तो कैसे फाइंड आउट करें? बिकॉज तुम्हारा टारगेट क्या है, यू हैव टू फाइंड dy by dx। तो मतलब तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अगर इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर भी तुमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एज्यूम कर लो कि इसका कुछ तो डेरिवेटिव होगा फॉर नाउ। ओके, इन द एग्जाम इट विल बी फंक्शन ऑफ इन टर्म ऑफ टी। ओके, ये तुम्हारा होगा जी डैश टी, और ये जो टी के प्लेस पे रहता है उसका हम वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आया, बट इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट ना। तो डोंट वरी, बिकॉज अभी तक हमने इस पार्ट को सॉल्व तो किया नहीं, इसको अगेन वैसे ही करो, इसको भी डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो एफ ऑफ टी को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे इसके एक्स के रिस्पेक्ट में। यू नो दैट कि ये तुम्हारा इसका डेरिवेटिव एज्यूम कर लो कि एफ डैश टी है, और जो एक्स के प्लेस पे रहता है उसको तुम डिफ्रेंशिएट अगेन कर दोगे। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये तुम्हारा वन हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पर तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, यहाँ पे तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, और यहाँ पे तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स मिलने ही वाला था, लेकिन तुम्हें काम कौन ख़राब कर रहा है, डी टी बाई डी एक्स काम ख़राब कर रहा है ना। तो यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल लोगे, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, और ए वैल्यू उठा के तुम इधर पुट कर दोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश टी इंटू वन डिवाइड बाई एफ डैश टी। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा जी टी डिवाइड बाई एफ डैश टी। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला, यू कैन नोट डाउन। ओके, सो देयर इज अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, वी विल सी दोज प्रॉब्लम ऑल्सो कि कैसे करने। फॉर एन एग्जाम्पल पहले सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, देन विल मूव ऑन। एग्जाम्पल, सपोज x इज गिवेन 80 एंड y इज गिवेन 80 स्क्वायर, वेयर a इज अ कांस्टेंट। ओके, देन दे विल आस्क फाइंड dy बाई dx। ओके, देन हाउ विल डू, यू विल डू द x पार्ट एंड यू विल डू द y पार्ट। नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा दिस पार्ट, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव सिर्फ तुम किसका करोगे, x t का करोगे। यहाँ पर भी तुम पैरेलली में दोनों कर रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड dx बाई dx। यहाँ a तुमने बाहर निकाल लिया, इसका तुमने कर दिया dx का, ठीक है। डी का तुमने डेरिवेटिव कर दिया, या यहाँ से dy बाई डी एक्स, ये तुम्हारा x पावर n का फार्मूला लगेगा, तो तुम्हारा फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आएगा, टू आगे आएगा और उसमें से एक रिड्यूस करोगे, और जो x के प्लेस पे रहेगा उसका वापस से डेरिवेटिव कर दोगे, ठीक है। इस केस में a पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, a डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू तुम यहाँ से क्या निकाल लोगे, वन बाई ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अभी तक तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स मिला नहीं है, ठीक है, तो कैसे मिलेगा तुम्हें, तुम्हें बाजू वाले इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा। ओके, वेट फॉर अ मिनट। ओके, देन यू विल पुट हियर, सो इफ यू पुट हियर dy by dx is equal to 280, और यहाँ पे तुमने क्या पुट कर दिया, 1 by a, this a and this a cancel, then you got the dy by dx equal to 2t. Okay, so in the paper question is going to be very easy. Suppose they are asking x equal to sin t and y is equal to log t. Now they are asking, they will give this equation and they will ask find dy by dx. Now if you are feeling uncomfortable with my method, what you can do, just differentiate this part with respect to t, just differentiate this part with respect to t. So with respect to t, then it is going to dt, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos t, और इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, तो नो नीड टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ, ये तुम्हें हो जाएगा 1 बाई टी, और इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस dy बाई डी एक्स का फार्मूला क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या आई है, 1 बाई टी, ओके, एंड तुम्हें इसकी वैल्यू क्या है, cos t. Okay, then this is going to be your final output, 1 divided by t into cos t. Okay, so I think you are understanding my point. So let me take one more problem. Suppose same problem मैं ऐसा लेता हूँ, 280 y is equal to 380 square. Now they are asking that find dy by dx. Then how will do, so now doing like बार बार वैसे करने से अच्छा you will do, you differentiate with respect to t, तो इसका आंसर क्या होगा, 2a, you will again differentiate with t, इसका आंसर क्या होगा, so a and 3 is a constant, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 680. ओके, नाउ dy by dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy by dt डिवाइड बाई dx by dt, तो dy का आंसर क्या है, 680 डिवाइड बाई 2a, देन यू कैन कैंसल आउट दिस टर्म, देन व्हाट यू गॉट, 3t, तो दिस इज योर फाइनल आउटपुट. द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, सो यू कैन डू बाय एनी वन मेथड, लाइक बोथ आर सेम एक्चुअली एट द एंड, बट टू प्रूव द कॉन्सेप्ट, ऊपर का जो मैंने बताया दैट इज अ प्रूफ, कि उस तरीके से वो काम करता है. तो इन द पेपर व्हाट दे विल डू, दे विल गिव x एंड दे विल गिव y, और याद रखना अगर मान लो ये cos थीटा लिखा है और ये तुम्हारा sin थीटा लिखा है, तो किसके रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करोगे, यू विल डू द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई d थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ पर भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा, एंड देन यू विल फाइंड dy बाई dx, तो क्या होगा उसका, dy बाई d थीटा डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई d थीटा, तो दिस इज अ cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा एंड विद द माइनस साइन. So you can do by any one method. So if you can remember this thing, that is going to help you. तो यहाँ पे जो तुम्हारा पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। जो पैरामीटर तुम्हें दिखेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट dy/dx। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।